प्यारे बच्चों, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी अभिभावक पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों को ये 10th क्लास की जो बच्चे मोस्ट एक्सरसाइज मानते हैं, जो अच्छे नंबर्स की आती है वार्षिक परीक्षा में, और इसके साथ ही इस एक्सरसाइज को बच्चे टफ भी मानते हैं। तो मैं सबसे पहले एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए उन अच्छी अच्छी एक्सरसाइज के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अपने बच्चों को जरूर अवगत कराएं कक्षा 10 और कक्षा 12 एनसीईआरटी सिलेबस मैथमेटिक्स के वीडियो में अपलोड करूँगा रोज। तो देखिएगा, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं जीरो लेवल से इस चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं। एक्सरसाइज का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है, ये तीन नामों से बना हुआ है, त्रि कोण और मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण आप जानते ही हैं, और मिति होती है माप। अर्थात सबसे पहले मैं आपको इस त्रिकोणमिति का अर्थ बता रहा हूं। इस त्रिकोणमिति का अर्थ है तीन कोणों की माप। अब हम सब जानते हैं कि तीन कोण त्रिभुज में होते हैं। इस त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री, और ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी तीन नामों से मिलकर बना है, ट्री गोन और मेट्रॉन। इन तीन नामों से मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री बना है। अगर यहां इसका अर्थ देखें हम, तो ट्री का मतलब यहां तीन, गोन मतलब होती है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, अर्थात तीन भुजाओं की माप। तीन भुजाएं भी अगर हम देखें तो त्रिभुज में होती हैं। इसका मतलब एक बात तो लगभग तय है कि त्रिकोणमिति है वो त्रिभुज के बारे में है। अब इस त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन किया जाता है, तो देखना, त्रिकोणमिति है उसमें समकोण त्रिभुज जो होता है, उस समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उस समकोण त्रिभुज के कोणों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। आपसे पूछा जाए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, तो बताएंगे तीन कोणों की माप। इंग्लिश में बोला जाता है त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्री गोन और मेट्रॉन। ट्री का मतलब यहाँ तीन है, गोन का मतलब भुजा है, मेट्रॉन का मतलब माप है, यानी तीन भुजाओं की माप, तीन कोणों की माप, तीन भुजाएं, तीन कोण त्रिभुज में होते हैं। तो ये तो तय है कि त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज से संबंधित अध्ययन करेंगे। और त्रिकोणमिति में यदि हम देखें तो समकोण त्रिभुज जो होता है, उस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं और समकोण त्रिभुज के जो कोण होते हैं, उन कोणों और भुजाओं के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ समकोण त्रिभुज के, क्योंकि इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूं समकोण त्रिभुज की। मान लिया ये एक समकोण त्रिभुज है, नाम दे दिया इसका ए, बी और सी। बी कोण है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये त्रिभुज है, इसमें एक कोण बी हमने 90 डिग्री का मान लिया। तो इस समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इनका विशेष नाम होता है, जो 90 डिग्री का कोण है, इस कोण के अलावा दो कोण और बचे हैं इसमें, तो ये दोनों कोण हैं ये न्यून कोण होंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसमें 90 तो एक कोण हो गया बी, अब बाकी बचे हुए कोण हैं वो 90 से कम के ही होंगे। तो सीधी सी बात है, कोण ए और कोण सी, यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण है वो 90 डिग्री का, यानी समकोण होता है, और बचे हुए दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, अर्थात 90 डिग्री से कम के होते हैं। अब समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, इनका विशेष नाम होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को
हमेशा करण कहा जाता है, और करण है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है? तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का होता है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एसी जो है ये सबसे बड़ी होगी, और इस सबसे बड़ी भुजा को करण कहा जाता है। अब बात आती है कि बची हुई दो भुजाएं क्या हैं। तो बची हुई दो भुजाओं में एक भुजा तो लंब है, एक भुजा आधार है। अब देखना, लंब और आधार का निर्धारण कैसे करें? अगर समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के अलावा कोई कोण दिया हुआ नहीं है तो आप अपनी स्वेच्छा से ए बी और बी सी में एक भुजा को लंब, एक भुजा को आधार मान सकते हैं। अगर 90 डिग्री के अलावा ए और सी कोण के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, बताया नहीं गया है, किसी कोण विशेष की बात नहीं हो रही है, तो आप ए बी और बी सी में किसी भी भुजा को लंब और किसी भी भुजा को आधार मान सकते हैं। परंतु अगर किसी कोण विशेष की बात हो रही है, मान लो सी कोण दे दिया थीटा, तो याद रखना इस थीटा के सामने वाली भुजा जब इस कोण की बात हो रही होगी तो इसके सामने वाली भुजा को हमेशा लंब माना जाएगा और बची हुई भुजा है वो आधार कहलाएगी। अब एक बात का और ध्यान रखना, मान लो इस कोण की बात नहीं हो रही सी की, कोण चेंज कर दिया, कोण ए की बात हो रही है, तो जब आप कोण ए की बात करोगे तो इस ए के सामने वाली भुजा को फिर लंब बोलेंगे आप, और ये भुजा आधार हो जाएगी। जब कोण चेंज होगा तो परिवर्तन केवल लंब और आधार में होगा, करण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। करण है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही होगी। परंतु यदि कोण चेंज हो रहा है ए और सी में, तो जो भी कोण लिया जाएगा, जैसे मान लो ए कोण लिया गया तो ए के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, अगर सी कोण लिया गया तो सी के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, और बची हुई भुजा आधार कहलाएगी और करण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा करता हूं इतनी बात आप समझ पाए होंगे। तो समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनको नाम दिया जाता है करण, लंब और आधार। ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के नाम। अब समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय चलती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। अब आपको इस पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है करण, उस करण का वर्ग, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो शेष बची हुई दो भुजाएं, शेष कौन कौन सी भुजाएं बची? एक तो बचा लंब, एक बचा आधार। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी करण का वर्ग किसके बराबर होता है? शेष बची हुई दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजाएं कौन कौन सी बची? एक तो आधार बची और एक लंब बचा है। तो इन दोनों का वर्ग करेंगे और वर्गों का फिर योग करेंगे। इन दोनों के वर्गों का योग जो होगा वो बड़ी भुजा यानी करण के वर्ग के बराबर होगा। इसे बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात करण को यदि मैं के लिखूं तो के स्क्वायर बराबर, आधार को यदि मैं ए लिखूं तो आधार स्क्वायर प्लस लंब को यदि मैं एल लिखूं तो एल स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या है? करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आपसे कभी कभी इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित। तो इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग क्या है? तो सुनना, जो समकोण त्रिभुज होता है उस समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाओं की लंबाई आपको दी गई है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये करण है। अगर मैं कोण सी ले लूं, मान लो थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे और बची हुई भुजा आधार कहलाएगी। अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई आपको दी गई है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो लंब है वो 3 दे दिया और आधार है वो मान लो आपको 4 दे दिया और आपको करण ज्ञात करना है, तो समकोण त्रिभुज में लंब और आधार मतलब दो भुजाओं की लंबाई आपको दे दी और तीसरी भुजा यानी करण आपको चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग आप करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यही उपयोग है, यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई आपको दे दी जाए और शेष एक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी हो तो आप हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, जो है करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
समझ गए पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग क्या है, आप ये भी समझ गए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के नाम क्या हैं, और लंबकरण और आधार का निर्धारण कैसे करते हैं। अब सुनो, अब हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों की आवश्यकता पड़ेगी। त्रिकोणमितीय अनुपात, हमें जरूरत पड़ेगी त्रिकोणमितीय अनुपातों की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं, किसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सुनना, जो समकोण त्रिभुज होता है, जैसे मान लो मैं त्रिभुज बना रहा हूं ए बी और सी, बी कोण 90 डिग्री का है, और मान लिया सी कोण है थीटा, जो कि न्यून कोण है। तो अगर हम भुजाओं का निर्धारण करें तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा करण होगी, थीटा कोण इस सी कोण की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा को आप लंब कहेंगे, और बची हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। लंब को मैं यहां एल लिख देता हूं, आधार को यहां मैं ए लिख देता हूं। हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की, कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। तो देखो, समकोण त्रिभुज जो होता है, उस समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण होता है, तो यहां मैं न्यून कोण ले रहा हूं थीटा, तो इस थीटा न्यून कोण के लिए समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं के अनुपात हैं, उन अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और उन त्रिकोणमितीय अनुपातों को अलग अलग नाम दिया गया। जैसे अगर मैं बात करूं पहले अनुपात की, तो समकोण त्रिभुज में ये थीटा कोण है, इस थीटा कोण के लिए सबसे पहले लंब और करण के अनुपात की बात करता हूं मैं, लंब और करण। इस समकोण त्रिभुज में इस न्यून कोण थीटा के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये करण है, ये आधार है। तो इस थीटा न्यून कोण के लिए इस समकोण त्रिभुज का जो लंब है और जो करण है, इन लंब और करण का अनुपात जो है उसे कहा जाता है साइन, अर्थात इसे बोला जाता है साइन थीटा। अब इस साइन थीटा का मतलब क्या है, इस साइन थीटा का मतलब है थीटा कोण के लिए, जो समकोण त्रिभुज है इसमें थीटा कोण के लिए इस समकोण त्रिभुज के लंब और करण का अनुपात, उसका नाम है साइन। तो लंब और करण के अनुपात को बोला जाता है साइन थीटा, याद रहे ये बात इस न्यून कोण थीटा के लिए है। उसके बाद में दो नंबर पर अगर हम बात करें, तो इस समकोण त्रिभुज में इस न्यून कोण थीटा के लिए आधार और करण का जो अनुपात है, आधार और करण का अनुपात है, इसे कहा जाता है कोसाइन, और इसे लिखा जाता है कोस थीटा। नंबर तीन, इस समकोण त्रिभुज में जो लंब और आधार है, लंब और आधार इस कोण के लिए, लंब और आधार का जो अनुपात है उसे कहा जाता है टेंजेंट, अर्थात टेन थीटा। नंबर चार, आधार और लंब का जो अनुपात है इस समकोण त्रिभुज में, आधार और लंब का जो अनुपात है उसे कहा जाता है कोट थीटा, कोटेंजेंट। नंबर पांच, समकोण त्रिभुज में जो करण और आधार है, करण और आधार का अनुपात है उसे कहा जाता है सेकेंट, यानी सेक थीटा। और नंबर छह पे बात आती है करण और लंब, करण और लंब का अनुपात है इसे कहा जाता है कोसेकेंड, यानी कोसेक थीटा। ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम हैं, कि लंब और करण के अनुपात को साइन कहा गया, आधार और करण के अनुपात को कोसाइन कहा गया, लंब और आधार के अनुपात को टेंजेंट यानी टेन थीटा कहा गया, और आधार और लंब के अनुपात को कोट, करण और आधार के अनुपात को सेक थीटा, और करण और लंब के अनुपात को कहा गया कोसेक थीटा। ये नाम आपको क्रम से याद करने हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ये नाम क्रम से ही याद करें। यदि ये नाम आप क्रम से याद कर लेते हैं तो काफी बातें जो हैं इस एक्सरसाइज से संबंधित, वो बातें अपने को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं बात करूं कि ये छह नाम आप याद कैसे करें, तो देखो, साइन नाम को बाणियों, कोस चाल के 10 रुपया में कोट खरीदो, सर्दी को मौसम हो, हाथ सेक के
हाथ सेक के को सेक चलो, अर्थात साइन नाम को बनियो साइन थीटा, कोस चल के कोस थीटा, टेन रुपया में टेन थीटा, कोट खरीदो कोट थीटा, हाथ सेक के सेक थीटा, को सेक चलो को सेक थीटा। ये छह नाम आपको क्रम से याद हो जाएंगे। और अब इन छह नाम जो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक हैं, इन छह त्रिकोणमितीय अनुपातों के ये छह फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये कैसे याद करेंगे तो देखिएगा, यहां पे एक शब्द लिख रहा हूं मैं लाल, अपोन में लिख रहा हूं मैं के ए, लाल बट्टे कक्का जिसे बोला जाता है। याद करने मात्र एक ट्रिक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं एक नंबर पे साइन थीटा, तो यहां से शुरू करेंगे वन टू थ्री। तो याद रहे वन टू थ्री के लिए जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, और थ्री के बाद में नंबर देना है इसको चार, इसको देंगे पांच, इसको देंगे छः। और चार पांच छः के लिए, चार पांच छः पे कौन कौन आ रहा है, कोट सेक और कोसेक, इनके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, ये याद रखना है। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करता हूं मैं साइन थीटा की, कि साइन थीटा किसको बोलेंगे, तो लंब और कर्ण के अनुपात को बोलेंगे। तो देखो एल अपोन में लिखा है के, यानी लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण। नंबर दो, नंबर दो पे है कोस थीटा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला देखिए आधार बट्टा कर्ण लिखा हुआ, आधार बट्टा कर्ण। नंबर तीन पे आता है टेन थीटा, तो लंब बट्टा आधार, यहाँ लिखा हुआ लंब बट्टा आधार। उसके बाद में जो चार पांच छह हैं, कोट सेक और कोसेक, ये इन तीनों के ही व्युत्क्रम हैं, उल्टे होते हैं, अर्थात कोट थीटा है वो आधार बट्टा लंब, पहले नीचे वाला लिखेंगे और फिर लंब लिखेंगे आप एल, यानी आधार बट्टा लंब, ये फॉर्मूला हुआ कोट थीटा का। पांच नंबर पे आता है सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा करण बट्टा आधार। उसके बाद में छह नंबर पे है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा करण बट्टा लंब। तो ये छह त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम क्रम से याद होने चाहिए, प्लस में इन छह त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो सूत्र लिखे हुए हैं लाल बट्टे कक्का से आपको याद रखना है। एक दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, जब भी आप इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद करेंगे तो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस एक्सरसाइज की, याद रखना कि जब भी आप त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद करेंगे तो आपके पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप होनी चाहिए। तीनों भुजाओं की बात करें तो लंब, कर्ण और आधार, ये तीनों आपके पास होने चाहिए। यदि ये तीनों आपके पास नहीं है तो आप त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना ही हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। पहले तो आपको याद रखना है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान तो तभी निकलेगा जब आपके पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों का मान आपके पास होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं जो कि जरूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में आपको। त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में कुछ रिलेशन होता है और उस रिलेशन को कहा जाता है व्युत्क्रम संबंध। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, नंबर एक पे साइन थीटा, नंबर दो पे कोस थीटा, नंबर तीन पे टेन थीटा, नंबर चार पे कोट थीटा, नंबर पांच पे सेक थीटा और नंबर छह पे कोसेक थीटा। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में रिलेशन होता है और उस रिलेशन को बोला जाता है व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध मतलब साइन थीटा है वो कोसेक का व्युत्क्रम होता है, याद रखना आपको, साइन थीटा है वो कोसेक का व्युत्क्रम होता है, यानी पहले वाला लास्ट वाले का व्युत्क्रम होता है। अर्थात मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, तो वो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होगा। अर्थात मैं साइन थीटा को एक बट्टा कोसेक थीटा लिख सकता हूं, याद रहे कोसेक थीटा का व्युत्क्रम करना है, तो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा की, तो ये जो कोसेक थीटा है ये साइन थीटा का व्युत्क्रम होगा, अर्थात साइन का व्युत्क्रम, साइन का उल्टा करेंगे आप वन अपॉन साइन थीटा।
ये साइन और कोसेक में संबंध होता है, व्युत्क्रम संबंध। यानी साइन और कोसेक एक दूसरे से व्युत्क्रम संबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। साइन थीटा कोसेक का व्युत्क्रम होता है और कोसेक थीटा साइन का व्युत्क्रम होता है। अब हम बात करते हैं दो नंबर कोस थीटा की। तो कोस थीटा जो दो नंबर वाला है वो पांच नंबर वाले के साथ, यानी कोस थीटा और सेक थीटा में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? व्युत्क्रम संबंध ही होता है। अर्थात कोस थीटा जो है वो सेक थीटा का व्युत्क्रम होगा, अर्थात वन अपॉन सेक थीटा। ये दोनों बराबर होंगे। कहीं भी कोस थीटा लिखा हुआ है, आपको जरूरत पड़ गई सेक की, तो आप कोस थीटा को हटा के उसकी जगह वन अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोस थीटा है वो सेक थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो ये सेक थीटा है, ये सेक थीटा कोस का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो कोस का व्युत्क्रम लिखेंगे वन अपॉन कोस थीटा। अब दो और रह गए, टेन और कोट। तो टेन और कोट भी आपस में व्युत्क्रम संबंध से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात टेन कोट का व्युत्क्रम होता है, कोट टेन का व्युत्क्रम होता है। बोले तो टेन थीटा जो है वो कोट का व्युत्क्रम होगा वन अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा जो है वो टेन का व्युत्क्रम होगा वन अपॉन टेन थीटा। एक ये बात इस एक्सरसाइज के लिए आपको याद रखनी है कि किसका संबंध किसके साथ होता है और कैसा संबंध होता है। तो साइन थीटा का कोसेक थीटा के साथ संबंध होता है। जो संबंध साइन थीटा का कोसेक थीटा के साथ होता है वही संबंध कोसेक थीटा का साइन थीटा के साथ होता है, और संबंध होता है व्युत्क्रम संबंध। याद रखना, कोस थीटा का सेक थीटा से संबंध होता है और सेक थीटा का कोस थीटा से संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? व्युत्क्रम संबंध। अगर मैं बात करूं टेन और कोट की, तो टेन थीटा का कोट थीटा से संबंध होता है, कोट थीटा का टेन थीटा से संबंध होता है, वही संबंध है व्युत्क्रम संबंध। अर्थात सभी साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, टेन और कोट भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। दो बातें और याद रखना, टेन थीटा जो है इस टेन थीटा को साइन और कोस के अनुपात में लिखा जाता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये याद रखना। टेन थीटा जो है ये क्या होता है? साइन और कोस का अनुपात होता है टेन। अर्थात साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को आप हमेशा टेन थीटा बोलेंगे। यदि आपको जरूरत पड़ी कि टेन थीटा को आपको साइन कोस में तोड़ना है, तो आप टेन थीटा को हटा के टेन थीटा की जगह आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कोट थीटा, कोट थीटा है वो टेन का व्युत्क्रम होता है। तो टेन थीटा को जब साइन थीटा बटा कोस थीटा बोला जाता है, तो कोट थीटा को क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, ऊपर वाले का उल्टा कर देंगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये दो बातें और याद रखना, टेन थीटा को साइन कोस के पदों में लिखा जाता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा को साइन कोस के पदों में लिखा जाए तो कोस थीटा बटा साइन थीटा लिखेंगे। अब चलो हम एक्सरसाइज पे आते हैं, और एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है एबीसी। तो मैं सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बना देता हूं, लेकिन ध्यान रहे इसका नामकरण करते समय क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि बी कोण है वो 90 डिग्री का है। तो अगर मैं इसे ए बोलूं तो बी कोण ये होगा 90 डिग्री का, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एक त्रिभुज एबीसी है, तो नामकरण करते समय थोड़ा सा गौर कर लें, क्वेश्चन में यह भी देख लें कि उस समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण 90 डिग्री का लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में बी कोण 90 डिग्री का बताया, समकोण बताया। तो त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण 90 डिग्री का है। फिर आपको बोला है एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये रहा एबी, ये 24 सेंटीमीटर मतलब इसकी लंबाई बताइए। उसके बाद में आपको बताया बीसी 7 सेंटीमीटर है, ये बीसी है इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। और आपको बोल रहा है कि मान ज्ञात करो, किसका? पहला मान आपसे पूछा है पॉइंट नंबर एक पर कि साइन ए और कोस ए, ये दो मान आपको ज्ञात करने हैं पहले पॉइंट में। पहले क्वेश्चन का पहला ही पॉइंट है जिसमें आपको पूछा है साइन ए का मान बताओ और कोस ए का मान बताओ। तो देखो आप साइन ए और कोस ए ये त्रिकोणमितीय अनुपात ही हैं,
इनका मान आप ज्ञात करना चाह रहे हो। इनका मान मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप आपके पास हो। लंब भी आपके पास होना चाहिए, कर्ण भी आपके पास होना चाहिए, आधार भी आपके पास होना चाहिए। यदि एक भी आपके पास नहीं है तो आप त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब यहां बात आती है कि इसमें कर्ण कौन सा है। तो देखिए बी कोण ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली भुजा को इसे आप कर्ण बोलेंगे, मतलब एसी कर्ण है। तो आप इस त्रिभुज में देख रहे हो कि आपके पास कर्ण ही नहीं है। बाकी अगर कोण की बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इसके साथ में कोण देखो यहाँ ए दिया हुआ है, इसका मतलब कोण ए लिया गया है। तो इस ए के सामने वाली भुजा को आप लंब कहेंगे क्योंकि इस ए कोण के लिए यहां बात हो रही है। तो इसके सामने वाली भुजा को आप बोलेंगे लंब और ये भुजा क्या हो जाएगी आधार। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज में आप इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर रहे हैं तो आपके पास कौन सी भुजा है और कौन सी नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में हमने देखा तो अपने पास आधार है, लंब है, हमारे पास कर्ण नहीं है। और जब तक हमारे पास कर्ण नहीं होगा तब तक हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान तभी ज्ञात कर सकते हैं आप, ये बात याद रखना, जब आपके पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप हो, तीनों भुजाओं की लंबाई हो। तो अपने पास लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, कर्ण नहीं है, तो पहली शर्त है कि अपने को कर्ण चाहिए। अब क्यों चाहिए कर्ण? क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना, वहां कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। अब सवाल उठता है कर्ण को ज्ञात कैसे करें। तो सुनो, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई आपको दी गई है, तीसरी भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हम करते हैं इस काम के लिए। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग भी मैंने बताया था कि जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई आपको दे दी जाए और एक भुजा की लंबाई आपसे पूछी जाए बची हुई भुजा की, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज एबीसी में और इस कर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे, अर्थात कर्ण ज्ञात करेंगे, एसी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में जहां कोण बी क्या है 90 डिग्री का है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, तो लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की बात करें तो यहां एसी है तो मैं लिख दूं एसी का स्क्वायर बराबर आधार की अगर बात करें तो 24 है तो 24 का स्क्वायर लिखेंगे, ये लो 24 का स्क्वायर, प्लस लंब की अगर बात करें तो 7 है तो 7 का स्क्वायर। एसी स्क्वायर बराबर सबसे पहले हम लिखेंगे 24 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर जैसे ही हम करेंगे 24 का स्क्वायर का मतलब है 24 की गुणा आपको 24 से करनी है तो आएगा 576। वर्ग कैसे करते हैं ये वीडियो मैं आपको एक अपलोड करके दे दूंगा जिससे आप वर्ग करना भी सीखेंगे। एक बार के लिए आप ये समझे 24 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 24 गुणा 24 तो कितना आएगा 576, ये लो 576। प्लस 7 का स्क्वायर आप करेंगे तो आएगा 49। तो एसी स्क्वायर बराबर आपके पास 576 और 49 को आप जैसे ही ऐड करोगे तो आएगा 625। तो एसी का मान आपको ज्ञात करना है, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ लगेगा रूट, तो रूट 625 और 625 का रूट आप करेंगे तो आएगा 25, अर्थात एसी की लंबाई कितनी आई है 25 सेंटीमीटर। ये हमने ज्ञात कर ली है, एसी की लंबाई आ गई 25 सेंटीमीटर, अर्थात अपने पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आ गई है। लंब तो है 7, आधार दिया हुआ है यहाँ पे 24 और कर्ण आपने ज्ञात किया कितना आया 25। अब अपने पास तीनों भुजाओं की लंबाई है तो हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा नंबर एक, इसने पूछा है साइन ए का मान बताओ। तो यहां याद रहे आपको साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। लाल बट्टे कक्का वाले फॉर्मूले से साइन का फॉर्मूला लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण। तो ए कौन है यहाँ पे, ए के सामने वाली भुजा को आप लंब मान ही रहे हैं तो लंब कितना है, लंब लिखेंगे 7 और कर्ण कितना है, तो कर्ण आपने ज्ञात किया 25, तो 7/25 आपका क्या हो जाएगा साइन ए का मान हो जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछा है कोस ए का मान, तो कोस नंबर दो पे आता है और लाल बट्टे कक्का वाले फॉर्मूले से चेक करना
कोस दो नंबर पे आता है, इसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, तो ये लिख दिया आधार बट्टा में लिख दिया कर्ण। अब याद रहे आधार कितना है, तो आधार है 24 और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 25, तो कोस ए का मान आया 24/25। उसके बाद में बात करें दूसरे पॉइंट की, यहाँ लिख देता हूँ मैं दूसरा पॉइंट है, उसमें अगले ने मान पूछा है साइन सी और कोस सी का, साइन सी और कोस सी का, साइन सी और कोस सी का। अब याद रहे यहां त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन, इसके साथ में कोण दिया गया है सी, यहां भी देखिए कोण दिया गया है सी, तो हम सी कोण के लिए बात कर रहे हैं, ये याद रखना, इस कोण के लिए बात कर रहे हैं। जब इस कोण के लिए बात करेंगे आप सी कोण के लिए, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब इसे चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा लंब, तो फिर ये हो जाएगा आधार। ये बात ध्यान रखना है, कोण चेंज तो लंब और आधार भी चेंज हो जाएंगे, जबकि कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बचा हुआ काम मैं यहां कर रहा हूं। इधर सबसे पहले अपने को साइन सी का मान ज्ञात करना है, तो साइन का फॉर्मूला वही लंब बट्टा कर्ण होता है। तो अब लंब देखो इस त्रिभुज में, लंब है, कोण देखो सी है, तो सी के सामने वाली भुजा अब लंब होगी। पहले ये हो रही थी लंब क्योंकि ए कोण था, अब सी कोण है तो सी के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब हो गया 24 और कर्ण कितना है 25, तो साइन सी का मान हो जाएगा 24/25। उसके बाद में हम बात करेंगे कोस सी का मान, ये लो कोस सी का मान ज्ञात करेंगे, तो अब भी कोण सी है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार है यहाँ पे 7 और कर्ण है यहाँ पे 25, तो कोस सी का मान हो जाएगा 7/25। आशा करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, बस इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों को नहीं बताया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बताया गया आपको एक आकृति दी हुई है, ये आकृति दी है कैसी, जिसका नाम दिया है पी क्यू और आर, पी क्यू आर, जिसमें क्यू कोण बताया गया है 90 डिग्री का। इसके साथ ही आपको पी क्यू की लंबाई बताई गई है 12 सेंटीमीटर, पी आर की लंबाई बताई गई है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर की लंबाई आपको बताई नहीं गई है। और फिर आपको बोल रहा है कि इस आकृति में जिसमें पी क्यू की लंबाई दी है, पी आर की लंबाई दी है, समकोण त्रिभुज भी बताया है, क्यू आर की लंबाई आपको दी नहीं है, और अगले ने मान पूछा है कि टेन पी माइनस कोट आर का मान बताओ कितना आएगा। मतलब सीधी सी बात है कि टेन पी का मान निकालेंगे यहां से, उसके बाद में कोट आर का मान निकालेंगे यहां से, और टेन पी का जो मान आएगा उसमें से हम कोट आर का जो मान है उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो अपना आंसर होगा। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको टेन पी का मान ज्ञात करना है, फिर आपको कोट आर का मान ज्ञात करना है, फिर घटाना है, वो तो बाद की बात है। सबसे पहला काम है टेन पी और कोट आर का मान ज्ञात करना। तो ये टेन पी कोट आर क्या है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात। और मैंने आपको बताया त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान तो आप तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपके पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं यानी लंब करण और आधार का मान आपके पास हो। तो देखिएगा लंब करण आधार का निर्धारण करते हैं, सबसे पहले 90 डिग्री की बात हो रही है, तो 90 डिग्री का जो कोण है इसके सामने वाली भुजा को आप करण बोलेंगे, मतलब करण तो 13 दिया हुआ है। अब बची हुई दो भुजाएं, उनमें एक भुजा की लंबाई दी है आपको, अगर मैं आर कोण मानूं तो ये लंब हो जाएगा, अगर मैं पी कोण मानूं तो ये आधार हो जाएगा, लंब फिर ये हो जाएगा। इसका मतलब एक बार के लिए हम कोण विशेष की बातें नहीं करते हैं और मान लेते हैं ये लंब है और ये आधार है, ऐसे ही। तो अपने को ये क्यू आर ज्ञात करना है, क्योंकि लंब और करण इन दो की लंबाई अपने पास है, अपने पास आधार नहीं है, तो हम सबसे पहले आधार ज्ञात कर लेंगे। इसको मैंने एक बार के लिए आधार मान लिया, किसी कोण विशेष की बात नहीं की। तो अब इस तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप इसमें लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में
कोण क्यू है वो 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का है इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब कर्ण तो देखो 13 दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ 13 का स्क्वायर बराबर आधार की अगर बात करें तो आधार अपने पास नहीं है क्यू आर, ऐसा कैसा लिख देता हूँ क्यू आर का स्क्वायर, और प्लस लंब, लंब की अगर बात करें तो यहाँ दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर यदि हम करें तो आएगा 169 क्यू आर स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144। अपने को मान ज्ञात करना है क्यू आर का, तो हम 144 का पक्षांतरण करेंगे, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर अपने पास मान आएगा 169 माइनस 144 जो कि आएगा 25। अब क्यू आर का मान ज्ञात करना है, आप स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पे रूट लगेगा और रूट 25 निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर, अर्थात क्यू आर की लंबाई आ गई 5 सेंटीमीटर, ये हमने ज्ञात कर ली। अब अपने पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अपने पास है, लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टेन पी का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो टेन पी का यदि हम मान ज्ञात करें तो टेन के साथ में एंगल देखो, सबसे पहले कोण देखो क्या दिया हुआ, पी दिया हुआ है, इसका मतलब पी कोण के लिए बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा को अब हम बोलेंगे लंब, लंब है 5, ये कर्ण है, ये हो जाएगा आधार, क्योंकि पी कोण लिया है इसने। तो टेन पी का फॉर्मूला यानी टेन का फॉर्मूला आप लिखेंगे लंब बटा आधार होता है, तो लंब यहां देखिएगा कितना है 5 और आधार कितना है, आधार है 12, तो टेन पी का मान आया 5/12। उसके बाद में देखिए अपने को मान याद करना है कोट आर का, ये लो कोट आर, तो अब कोट के साथ में कोण दिया गया है वो आर है, इसका मतलब इस कोण की बात हो रही है, तो इस कोण के लिए अब लंब क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये तो बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार, क्योंकि कोण चेंज होगा तो लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। तो कोट आर, कोट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब, तो आधार देखो कितना है, आधार है 5 और लंब की अगर बात करें तो लंब है 12 आर कोण के लिए, तो कोट आर का मान आ गया 5/12। अब अपने को मान ज्ञात करना है टेन पी माइनस कोट आर का, मतलब टेन पी में से कोट आर का मान घटाना, तो टेन पी का मान आया 5/12 और इसमें से माइनस करना है कोट आर का मान 5/12, तो 5/12 से 5/12 माइनस करोगे 0 आपका आंसर आ जाएगा, अर्थात इसका मान निकल के आएगा 0। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है यदि साइन ए बराबर 3/4, आपको बताया गया है तीसरे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा है यदि साइन ए बराबर, साइन ए बराबर है 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान निकालो, आपसे मान पूछा है कोस ए का और टेन ए का, इन दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपसे मान पूछे हैं। जब ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आप ज्ञात करेंगे तो आपके पास लंब, कर्ण और आधार होना चाहिए, तो मैं बिना डायग्राम बनाए, क्योंकि ए कोण है सभी में, यहां साइन का फॉर्मूला यदि मैं लिखूं तो साइन का फॉर्मूला होगा लंब बट्टा कर्ण, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। अगर मैं बात करूं लंब की तो लंब तो है 3, अगर मैं बात करूं कर्ण की तो कर्ण है 4, साइन का ही मान दिया गया, साइन का मान दिया साइन ए बराबर 3/4, तो साइन का फॉर्मूला लिख लेंगे होता है लंब बट्टा कर्ण। अगर हम लंब को 3 माने, कर्ण को 4 माने, तो फिर अपने पास क्या नहीं है, तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि हमारे पास आधार नहीं है, तो हम आधार को कैसे ज्ञात करें, क्योंकि कोस 10 का मान तो तभी निकलेगा ना जब हमारे पास लंब होगा, कर्ण होगा और आधार होगा। तो सबसे पहले हम आधार ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण अपने पास कितना लिखा हुआ 4, तो ये लिख दिया 4 का स्क्वायर बराबर, आधार है नहीं अपने पास तो आधार हम ज्ञात करेंगे, प्लस लंब कितना है तो लंब 3, यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर आ जाएगा
चार का स्क्वायर यानी 16 लिख दो, 16 माइनस 3 का स्क्वायर, इसको बंद कर दे बेटा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो आधार स्क्वायर बराबर 16 में से आप 9 घटाएंगे तो आएगा 7। तो आधार आप याद करोगे तो स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, कितना आ जाएगा रूट 7। ये आपके पास आधार आ गए। अर्थात मैं यूं कहूं कि लंब तो 3 है, कर्ण है वो 4 है, और आधार हमने ज्ञात किया अभी अभी कितना आया रूट 7। तो लंब, कर्ण और आधार का मान हमारे पास है, अब हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मान ज्ञात कर रहा हूं कोस ए का। तो कोस ए का मान ज्ञात करें तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, लाल बट्टे कक्का वाले फॉर्मूले से कोस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो आधार देखिए कितना है, आधार है अपने पास रूट 7 अभी अभी हमने ज्ञात किया है, अपन में कर्ण कितना है तो कर्ण है 4, अर्थात कोस ए का मान आ जाएगा रूट 7 बट्टा 4। उसके बाद में अपने को मान ज्ञात करना है टेन का, तो लिखेंगे टेन ए। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। लंब देखिए कितना है, लंब 3 है, आधार कितना है, आधार रूट 7 है। तो टेन ए का मान आ जाएगा 3 बट्टा रूट 7। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ पाए होंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, यदि 15 है कोट ए, 15 चौथे क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, 15 कोट ए बराबर में दिया है 8, 15 कोट ए बराबर 8 है, तो आपको मान ज्ञात करना है साइन ए का, और एक मान ज्ञात करना है आपको सेक ए का। साइन और सेक इन दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा 15 कोट ए बराबर 8 दिया है आपको, और साइन और सेक का मान पूछा है, जिनका मान पूछा है वो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपके पास लंब हो, कर्ण हो, आधार हो। अब आपको क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है वो देखने के लिए यहाँ पहुँचो। 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, देखो कोट के साथ 15 गुणा में है, यदि मैं कोट का मान ज्ञात करना चाहूँ कोट ए का, तो गुणा में 15 इसका दूसरी तरफ भाग देंगे आप तो ये हो जाएगा 8 बट्टा 15। अब कोट का फॉर्मूला देख लीजिए, कोट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब, मतलब आपके पास आधार है वो 8 है, लंब है वो 15 है, तो क्या नहीं है आपके पास, कर्ण नहीं है। तो अब आप ज्ञात करेंगे कर्ण। अब सवाल उठता है कर्ण कैसे ज्ञात करें, तो कर्ण को ज्ञात करेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार को देखिए, आधार 8 है तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे आएगा 64, 15 का स्क्वायर करेंगे आएगा 225। आप 225 और 64 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 289। और कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे, 289 का रूट करेंगे जो कि निकल के आएगा 289 का रूट आएगा 17। तो कर्ण आ गया आपके पास 17, अर्थात आधार तो अपने पास 8 है, लंब अपने पास 15 है, और मैं बात करूं कर्ण की जो कि अभी अभी हमने निकाला है कितना आया है 17। तो लंब, कर्ण और आधार तीनों अपने पास है, अब हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं, इनका और बचे हुए उनका भी ज्ञात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं मान ज्ञात कर रहा हूं साइन ए का, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब की बात करें तो लंब है यहाँ पे 15, कर्ण की बात करें तो कर्ण आया 17, मतलब साइन ए का मान आएगा 15/17, ये आपका आंसर है साइन का। उसके बाद में अपने को मान ज्ञात करना है सेक ए का, सेक ए का मान ज्ञात करें तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लाल बट्टे कक्का वाले फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं तो कोस का उल्टा होता है, यानी कर्ण और आधार का जो अनुपात है, कर्ण उसको बंद कर दे एक बार और फिर देख ले, कर्ण और आधार का जो अनुपात है यानी कर्ण अपॉन आधार, ये होता है सेक।
तो करण कितना है यहाँ पे, देखो करण है अपने पास 17, आधार की बात करें तो आधार है अपने पास 8, अर्थात सेक ए का मान आएगा 17/8, ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। अब हम इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। देखिएगा, इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 यानी 13/12, 5वां क्वेश्चन आपको दिया कि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, तो आपको मान ज्ञात करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का। अन्य कौन कौन से बचे, सेक को छोड़ के जो 5 बचे हैं उन सभी का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, सेक थीटा का मान दिया 13/12, तो एक का तो आप कोस का तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, कोस थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस थीटा है ना वो सेक का व्युत्क्रम होता है, तो सेक का जो मान दिया है इसका व्युत्क्रम कर दो। सेक के मान का जैसे ही हम व्युत्क्रम करेंगे इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12/13, तो कोस का तो निकल गया। अब 4 और बचे हैं, उनका मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखो, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा करण, मतलब आपके पास आधार है 12, करण है 13, आपके पास लंब नहीं है, तो अब आप लंब ज्ञात करेंगे। तो लंब ज्ञात करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। अरे लवेश बंद कर बेटा इसको, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय है करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करण कितना है, करण है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस लिखेंगे लंब स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और प्लस लिखेंगे लंब स्क्वायर। तो लंब का मान याद करने के लिए 144 का पक्षांतरण करेंगे आप, तो लंब स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169 - 144। 169 में से 144 घटाओगे तो लंब स्क्वायर बराबर आएगा 25। जैसे ही आप लंब ज्ञात करोगे तो स्क्वायर हटाओगे, 25 पे रूट लगाओगे, कितना आएगा 5, यानी लंब आ गया आपके पास 5। अब आपके पास मान क्या क्या आ गए, देखो आधार है आपके पास 12, करण है आपके पास 13 और लंब अभी अभी आपने ज्ञात किया कितना आया 5। अब हम बाकी बचे हुए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो, सेक का कोस का तो हो गया, अब हम बात करते हैं साइन की, कि साइन थीटा का मान क्या आएगा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा करण। तो लंब कितना चेक कर लो, लंब है 5, करण कितना है, तो करण है 13, तो 5/13 इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा हमने ज्ञात कर लिया है। फिर हम बात करते हैं टेन थीटा की, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। लंब कितना है, लंब दिया गया है 5, आधार कितना है, आधार है 12, तो टेन थीटा का मान हो जाएगा 5/12। अब हम बात करते हैं इससे आगे कोट थीटा की, तो कोट थीटा जो होता है वो टेन का व्युत्क्रम होता है, तो इसका व्युत्क्रम कर दो, 12/5 आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करें सेक की, तो सेक का तो दिया हुआ है, अब बात करते हैं कोसेक की, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं कोसेक थीटा जो है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, तो साइन का मान आपने 5/13 ज्ञात किया है, तो कोसेक थीटा का इसका व्युत्क्रम कर दो, 13/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में केवल हम ये 5 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में करेंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स को बता दें कि एक्सरसाइज त्रिकोणमिति है वो स्टार्ट कर दी गई है और 12th क्लास के भी मैथ्स के वीडियो आज से ही शुरू कर दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।